नमस्कार भारत 360 को आपण मनकु स्वागत करूछि मु बंदिता खबर को आसीबा सेना बाहिनी को शक्तिशाली करबा लक्ष्य रे केंद्र सरकार घोषणा करथिबा फ्लैगशिप स्कीम अग्निपथ को नै जन आक्रोश बिहार यूपी मध्य प्रदेश एवं दिल्ली समेत विभिन्न राज्य रे नुआ नियुक्ति योजना को विरोध करिसंती युवापीढ़ी रास्ता जाम रेल रोक विक्षोभ नाराबाजी भंगारुजा सह ट्रेन रे लगाई दिछंती निया बिहार रे उग्र रूप नैछि प्रदर्शन 4 वर्षिया नियुक्ति योजना प्रत्याहार करी पुरणा योजना अनुसार सेना रे नियुक्ति करबा को दाबी होईछि सेपटे केन्द्र रो कहिबा कथा अग्निपथ योजना एवं अग्निवीरों को भविष्यता को नै विभ्रांति सृष्टि करा जाउछि। अग्निपथ योजना घोषणा जून 16 रे भावी अग्निवीरों को विरोध सेना पाई केन्द्र सरकार को नुआ नियुक्ति योजना अग्निपथ को नै जन आक्रोश प्रतिरक्षा मंत्रालय 4 वर्षिया नियुक्ति योजना प्रतिवाद रे राजरास्ता को ओल्लाइछन्ती बिहार रो युवापीढ़ी छपरा आरा नवादा जहानाबाग अरुअल एवं औरंगाबाद रे जोरदार हंगामा करा जायछि। छपरा रेलवे जंक्शन रे व्यापक भंगारुजा करा जिबा सह एको पैसेंजर ट्रेन रे निया लगाय दैछन्ती उत्तक्त लोके बक्सर सिवान बांका एवं सहरसा रे रेल स्टेशन रे विक्षोभ प्रदर्शन सह ट्रैकजाम करिछन्ती आंदोलनकारी सेहिपरि मुंगेर रे जातीय राजपथ जाम सह टायर जाळी जोरदार प्रदर्शन करिछन्ती। आंदोलनकारी को प्रश्न 4 वर्ष परे सेमाने करिबे कोन जिबे कुआडे सेमानकु 4 वर्ष नहि सर्वनिम्न 15 वर्ष चाकरी दरकार। 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खटेंगे? हम लोग का इतना बैकग्राउंड है, घर का परिवार का है कि हम लोग 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग ये करेंगे, कंपनी में जॉब करेंगे, माता पिता के सर्विस संभालेंगे, ये करेंगे, 4 साल के बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे। 4 साल का टीआर दिया गया उसको 15 साल 18 साल जो ऑलरेडी पहले से था एग्जिस्टिंग वही कर दिया जाए बस। उसके लिए आप क्या किए आप लोग? हम लोग को कैंसिल कर दिया गया, बोला गया वहाँ से। अभी क्या कर रहे हैं? अभी आपको अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ में, अगेंस्ट में। जेहनाबाद रे पत्थरबाजी करिछंती प्रदर्शनकारी नवादारे बारसलिंगज विधायक अरुणा देवीं को उपरे हमला करिछंती आंदोलनकारी उत्तप्त छात्र माने विधायकक गाड़ी को पत्थर फिंगिथिबा बेले एथरे आहत होइछंती ड्राइवर एवं बॉडीगार्ड। अग्निपथ योजना को बिहार रे लागू करबा को दियाजिबो नाही बोली दल कहछि। सेबडा पुलिस एडीजे कहछंती आंदोलनकारी माने रेलवे को टार्गेट करिछंती, घटनार भिडियोग्राफी कर जायछि, दोषी को चिन्हट करे आईनगत कार्यानुष्ठान नियाजिबो। नरेंद्र मोदी की सोची समझी राजनीति है कि किसी तरह से दबे कुचले अल्पसंख्यक के लोग जो जितने भी लोग हैं उसको आउट करने के लिए, और इसीलिए अग्निवीर की बहाली हो रही है। हम लोग इसके पुरजोर विरोध करते हैं और किसी कीमत पर बिहार में इसको लागू नहीं होने देंगे। दिल्ली लोगों ने रेलवे को निशाना बनाया है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो लोग चाह रहे हैं कि हम एक मैसेज दें, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है, वीडियोग्राफी कराने का भी निर्देश दिया गया है और हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करके ये आदेश दिया गया है कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की जाए। एपटे दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्य में अग्निपथ योजना प्रतिवाद रे विक्षोभ करा जायछि। आंदोलनकारी माने प्लाकार्ड धरी विक्षोभ शोभायात्रा करबा सह केंद्र सरकारक निष्पत्ति विरुद्ध रे नाराबाजी करछंती। मध्यप्रदेश ग्वालियर रे विक्षोभकारी माने चक्का जाम सह हंगामा करछंती। बिरला नगर रेल स्टेशन रे इंटरसिटी को भंगारुजा करिबा सह फोड़ाजोड़ा भी होउछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। गर्जिला कांग्रेस राहुल गांधी को ईडी घन घन जेरा एवं कांग्रेस दिल्ली मुख्यालय रे पुलिस रो बर्बरता विरोध रे गुरुवार सारा देश रे कांग्रेस करिछि जोरदार विक्षोभ एवं प्रतिवाद। केउठी कांग्रेस नेता कर्मी राजभवन घेरिबा को उद्यम करिछंती त आउ केउठी राजभवन आगरे विक्षोभ करिछंती। दिल्ली रे बैरिकेड भांगिबा को उद्यम करी मारात्मक पानी माड़ खाइछंती। सेपटे कांग्रेस रो दुईटी संसदीय प्रतिनिधि दल राज्यसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा वाचस्पति को भेटी केन्द्र सरकार एवं पुलिस विरोध रे फेराद होइछंती। सारा देशरे कांग्रेसर जोरदार विक्षोभ और प्रतिवाद। राहुल गांधी विरोध में प्रवर्तन निर्देशालय ने पदक्षेप को विरोध कर सबु राज्य और केन्द्रशासित अंचल विक्षोभ प्रदर्शन करी कांग्रेस। प्रति राज्य और केन्द्रशासित अंचल राजभवन एवं केंद्रीय सरकारी कार्यालय आगे कांग्रेस नेता और कर्मी करिछंती विक्षोभ प्रदर्शन। दिल्ली समेत विभिन्न स्थान में कांग्रेस कर्मकर्ता विरोध में पुलिस नहीं एक्शन। दिल्ली में कांग्रेस कर्मी मैंने बैरिकेड भांगिया उद्यम कर पुलिस करिछि जोरदार पानी माड़ तथापि पुलिस को खातिर नकरी सेमाने जोरदार विक्षोभ करिछंती। राजनैतिक उद्देश्य साधन पाई केन्द्र बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार केन्द्रीय एजेन्सी दुरुपयोग करुछि। व्यक्तिगत आक्रोश रखी
राहुल गांधी विरोध में प्रवर्तन निर्देशालय दुरुपयोग अभियोग कर एक इनके पीछे जो ताकतें हैं जो एजेंसीज को गाइड कर रही हैं पिछले 8 साल से लगातार सारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके नेताओं की आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। ये पूरा प्रकरण है शुद्ध रूप से पॉलिटिकल प्रेशर कर विरोधियों की जो भाजपा की विचारधारा के खिलाफ हैं उन लोगों पर दबाव बनाने का काम हो रहा है। ओडिशा रे मध्य राजभवन आगे धारणा देते कांग्रेस नेता और कर्मी केन्द्र सरकार आक्रोशमूलक राजनीति चलाई विभिन्न केन्द्रीय एजेंसी को लगाई विरोधी मुह बंद करने को प्रयास करोग कर केन्द्र बीजेपी सरकार निर्देश क्रमे जो दिल्ली पुलिस 24 अक्टोबर रोड आम कांग्रेस ऑफिस को जाई आम कर्मकर्ता एवं ऑफिस बेरोस मानक जपरी भाव में माड़ मार्च प्रदेश कांग्रेस कमिटी ताको दृढ़ भाव आम खंडम कर निंदा करुच्छू जो मैंने राहुल गांधी को सोनिया गांधी को ये प्रकार संबंध करते यहाँ ठीक नुहे निंदनीय जो ईडी अच्छी प्रपरली से जांच करू लड़े कर युवक मानक बेरोजगार विरुद्ध सेथिपाई नरेंद्र मोदी भयभीत एवं निशाण कर राहुल गांधी को ईडी को हाथ बारसी करा जाई कांग्रेस मुख्यालय पशि नेता और कर्मी को मनइच्छा पिटिता पुलिस जार प्रतिवाद गुरुवार कांग्रेस संसदीय प्रतिनिधि मंडली राज्यसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा बाचस्पति को भेट प्रतिवाद जनाई आम लोगों ने आज लोकसभा स्पीकर का अधीर रंजन चौधरी जी का नेतृत्व में मिला है। हमारा पॉइंटेड ग्रीवेंस था सारे जगह में 3 दिन से हम देख रहे हैं लोकसभा एमपीज और राज्यसभा एमपीज का दिल्ली में सिक्योरिटी नहीं है और हमारा कहीं भी हमारा दफ्तर में जाते हैं वहाँ हमें पीटती है पुलिस। आप यू आर द गार्डियन ऑफ द लोकसभा एंड यू शुड इंटरव्यू। हमारा जो फ्रीडम है इसके ऊपर हनन हुआ है इसीलिए हम ये चाहते हैं कि चेयर में इसका संज्ञान में ले और प्रिविलेज ये जो हम बनता है उस प्रिविलेज को वो नोटिस देकर उनको बुलाए और हमारे हकों की रक्षा करे। एवरी प्रिविलेज इज बीन वायलेटेड वी हैव अपील टू द ऑनरेबल चेयरमैन टू टेक एक्शन फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एज वेल एज ब्रीच ऑफ लिबर्टी एंड लेट द प्रोसेस नेशनल हेराल्ड मामलें राहुल को पुणी जेरापाई डाकी चिंगी शुक्रवार चतुर्थ थर पर से हाजर हे से आसंता 23 तारीख अच्छी सोनिया गांधी कंपनी रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। कांग्रेस नेत्री रेणुका चौधरी विरोध में मामला रुजु राहुल गांधी को ईडी जेरा प्रतिवाद में सारा देश में कांग्रेस राजभवन चलो आंदोलन करथिबा बेले तेलंगाना राजधानी हैदराबाद में विक्षोभ में सामिल थे रेणुका चौधरी जो जड़े पुलिस अधिकारी कला टाणी से धमकाउथिबा देखा मिली तेज कर्तव्यरत सरकारी अधिकारी प्रति एभली व्यवहार अभियोग रेणुका विरोध में आईपीसी धारा 353 मामला रुजु होती तेरे थाना रे केस दायर होगापर सफे रेणुका गोड़ में प्रोब्लेम थी भारस हराते से जो से कलार धरी पक उद्देश्य न थी एभली व्यवहार पर से संपृक्त पुलिस अधिकारी क्षमा चाहते से पुलिस प्रति कर व्यवहार पर क्षमा मांगा को दावी कर They were pushing me, Baba. I have a problem with my leg. I was losing my balance, so I fell on him like that. I don't know that young man. Of course, I'll apologize to that young man. But I expect the police to apologize to me for manhandling us. Why are there so many men police around us? Ask them that question. उत्तर प्रदेश रो योगी सरकार को सुप्रीम चेतावनी बुलडोजर द्वारा करा जाउथिबा बेआईन उच्छेद आईन अनुजाई हेबा दरकार एसबू पदक्षेप केबे भी प्रतिशोधमूलक होगा उचित नुहे वर्तमान सुधा जिते सब बेआईन उच्छेद से सब ऊपर विस्तृत तथ्य देवाक योगी आदित्यनाथ सरकार को नोटिस जारी कर सर्वोच्च कोर्ट मामलार परवर्त शुणी आसंता 21 तारीख अर्थात मंगलवार हो प्रफेट महम्मद नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का आपत्तिजनक टिप्पणी पर देशर विभिन्न स्थान में मुस्लिम संप्रदाय विक्षोभ करते उत्तर प्रदेश प्रयागराज और कानपुर में हिंसाकांड होता मुख्य कारपटदार जावेद महम्मद को गिरफ्त करवासभवन को प्रयागराज प्रशासन बुलडोजर लगाई भांगी
ଏହି ବିଲ୍ଡିଂ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବିରୋଧ କରି ଜାମାତ ଉଲେମା ଇ ହିନ୍ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଯାହାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଚ୍ଛେଦ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଲଗାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ରାପ୍ ସିଙ୍ଗର ସିଦ୍ଧୁ ମୁସେୱାଲା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଏବଂ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ପୋଲିସ ଜେରା ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରମାଣ କୁହାଯାଉଛି ମୁସେୱାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣଙ୍କ ହାତ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନି ପୋଲିସ ଏହି ଚାରିଜଣଙ୍କ ଘର ସୋନେପଥ ଏବଂ ଅମୃତସର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଛାନ୍ଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ ସେପଟେ ଏହି ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏକ ବଡ଼ ସୁରାଗ ମେ 25 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବର ଫତେହବାଦର ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବୋଲେରୋରେ ତେଲ ପକାଇଥିଲେ ଏହି ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଏସ୍ଆଇଟି ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଛାନ୍ଭିନ୍ ସେପଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛି ପୋଲିସ କାହିଁକି ମୁସେୱାଲାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏଥିରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କିଭଳି ହୋଇଥିଲା ପ୍ଲାନ୍ ଜେଲ୍ରେ ଥାଇ କିଭଳି ମର୍ଡର ପ୍ଲଟ୍ ରଚିଥିଲା ଲରେନ୍ସ ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରୁଛି ପୋଲିସ ଗତ ମେ 29 ତାରିଖରେ ରାସ୍ତାରେ ସିଦ୍ଧୁ ମୁସେୱାଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ମୁସେୱାଲାଙ୍କ ଉପରକୁ ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ଧାଧୁନ ଗୁଳିଚାଳନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ଯାହାଫଳରେ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 150 ଗାଁ ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି 52,000 ଲୋକେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରଖାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ୍ରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଧୋଇ ନେଇଯାଇଛି ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଅନେକ ଘର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗୁଆହାଟୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଏବଂ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ଜୁ ରୋଡ୍ ଆର୍ଜି ବରୋହା ରୋଡ୍ ଜିଏସ୍ ରୋଡ୍ ନବୀନ ନଗର ଅନିଲ ନଗର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇ ହୋଇଯିବାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି ଏଥିରେ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେନା ଲାଗି ପଡ଼ିଛି କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ମିଳୁନି ପେଟ୍ରୋଲ ଶ୍ରୀନଗର ସହ ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଘୋର ଅଭାବ ପେଟ୍ରୋଲର ଅଭାବ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଲୋକେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବାକୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରିକି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ଥିବା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାର୍ ଧରି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଘାଟିରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଅଭାବ ନଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି କ୍ରେଡିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ପେଟ୍ରୋଲର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି କେବଳ କାଶ୍ମୀର ନୁହେଁ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ରାଜସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ଅନେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ମାଲିକ 8 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଖୋଲା ରଖିବା ଫଳରେ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇନ୍ଦୋରରେ ବି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗତ 4 ଦିନ ହେଲା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ତେଲ ମିଳୁନି ଏପରିକି 4 ଦିନ ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗଏ ଓହାଁ ପେ ପେଟ୍ରୋଲ ହି ନହିଁ ହୈ ମେରେ ପାସ ଶୁକ୍ର କରୋ ପୈସେ ହୈ ବନା ମେ ମୈନେ ସୋଚା ଥା କି ଘର ସେ ନିକଲା ଥା 200 କା ଡାଲ ଦୁଙ୍ଗା ଅବ ମେ 700 କା ଡାଲ ରହା ହୁଁ ଜେବ ମେ କୁଛ ନହିଁ ରଖା ରିଜନ ହୈ କି ପେଟ୍ରୋଲ ଶର୍ଟ ହୈ ବହୁତ ଶର୍ଟ ହୈ ମେସେଜ ମିଲ ଗଏ କି ତେଲ ବନ୍ଦ ହୋ ଜାଏଗା ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋ ଜାଏଗା यानी पेट्रोल बंद हो जाएगा आपको किसने बताया ये कहाँ से पता चला ऐसे ही सुना एक दूसरे से सुना तो अब आप बोतल लेके आए ये बोल रहे हैं कि स्टार्ट नहीं है स्टार्ट तो आ रहा है जितना पैसा हम दे देंगे उनको कंपनी वालों को इधर से उतना ही वो तेल बेचते हैं उधर से लेकिन वो बात नहीं है कि ये बोल रहे हैं कि तेल कम हो रहा है या उधर पीछे से नहीं आ रहा है तेल तेल तो आ रहा है काम ज़्यादा आ रहा है हर रोज़ आ रहा है नहीं कम ज़्यादा मतलब कम क्यों आ रहा है 12,000 लीटर उन्होंने भेजे थे उधर से तो उतने ही पैसे हमने उनको दे दिए इधर ବୋରୱେଲ ଟ୍ରାଜେଡିର ରୋଚକ କାହାଣୀ କିଭଳି ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ରାହୁଲ କିଭଳି ଥିଲା ପୁରା ଅପରେସନ ସଂଘର୍ଷର ସେହି ଛାତିଥରା କାହାଣୀ ବୟାନ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ରାୟପୁରରେ ହୋଇଥିବା ରାହୁଲ ସାହୁ ବଚାଓ ଅଭିଯାନ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ବଖାଣିଛନ୍ତି ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନର ଏହି ଅନୁଭୂତି ଏହି ସମାରୋହରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବଘେଲ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିବା ସମସ୍ତ ଟିମ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହସର ସହ ମୁକାବିଲା କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅପରେସନ ଜିନ୍ଦେଗି ସଫଳ ହିରୋଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନର ଛାତିଥରା କାହାଣୀ
छत्तीसगढ़ जांजगिरी चंपार 11 वर्षीय बालक राहुल साहू को 60 फुट बोरियल उद्धार करथिबा रेस्क्यू टीम को राजधानी रायपुर रे संबोधना। राहुल साहू बचाव अभियान सम्मान समारोह रे उद्धारकारी दलर सदस्य बखाणी चंती अनुभूति 104 घंटार माराथन ऑपरेशन केमिति थिला गोटिए परे गोटिए चैलेंज केमिति पार करथिले सबु प्रतिबंधक तार टेक्निक तथ्य रखिछंती उद्धारकारी दल। यही उद्धार कार्यर प्रमुख व्यक्ति जांजगिरी जिलापाल पूरा ऑपरेशन रो कहानी कहते ऑपरेशन जिंदगी मोट 11 टीम नियोजित थे शेष पर्यायर सेनार साहय निया उद्धार कार्य बेस कष्टर था बड़ बड़ पथर चटाण को काटा पड़ता सेपटे बोरवेल भितर राहुल निकटे एक चंदन पोड़ा साप शेष समय राहुल एक पथर उपर बसी काटा समय ना आउ गात भितर उद्धार पर गोटे पिलार सहारा निया पाटी को ओलटाई गात भितर को छड़ा जाता 5 दिन नॉनस्टॉप ऑपरेशन रे इंडीआरएफ एसडीआरएफ और जवान को मिलता सफलता से हीपरी शेष पर्यायर आसी पूरा ऑपरेशन ने हीरो साजिश नजरुल भी कही से समय चैलेंज कथा इंडीआरएफ जितेबले एक पिलार साहय लोड़ा सेतेबले साहसर सह आग को आसी नजरुल तार गोड़ को बंधा जा राहुल फसी गात भितर को ओलटा छड़ा जा संबर्धना सभा तुमको डर लगुला कि नहीं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री प्रश्न नजरुल कही कि आदौ डर लगि ना राहुल को सेफ्टी बेल्ट बंधा जाए उपरकू टाणी आनी अब उसको तो हमने देखा तो समझ नहीं आया क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सबसे ज़्यादा हताशा का वक्त आ गया था सर। हमने सोचा कि शायद बच्चे को हमने खो दिया है, पर बच्चे का मूवमेंट ब्लॉक था सर। बल्कि साथ में कार फिट ले दिया और यदि ये मैसेज हमारे ग्राउंड फोर्स को जाता तो पूरा स्थिति बदल जाता। फिर भी हमने ट्राई किया, जो हालात है आगे बढ़ेंगे। उल्टा लटका गया, नीचे गया था मैं। पहले तो मैं सेफ्टी बेल्ट बांध लिया था अपने को सेफ्टी बेल्ट बांध के मैं उल्टा नीचे गया था। वो लेटा था, ऐसे ही सोया था यार। मैंने गया उसको जगाया, मैंने बोला राहुल बेटा उठ जाओ, हम लोग आ गए हैं। उसे सेफ्टी बेल्ट अच्छे से बांध के फिर मैं ऊपर आ गया था। फिर उसे पीछे खींचा गया था तो वो ऊपर आ गया था। साहस और धैर्य सह घंटा घंटा धरी अखिया अपिया ऑपरेशन टीम रो कार्य को उच्च प्रशंसा करिछंती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। यही ऐतिहासिक रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल करथिबा समस्त टीम रा प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद दैछंती बघेल। बघेल कहिछंती कि प्रतिबंधक को साहस रो सह मुकाबला कले भगवान भी साथ देबे। सेपरि रेस्क्यू ऑपरेशन बेले समस्त सहयोग सहायता जोगाइ देबा सह मनोबल वृद्धि करथिबारु उद्धारकारी टीम समस्त को धन्यवाद दैछंती। बहुत बड़ा ऑपरेशन, समझता हूँ देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन 4 घंटे का। चुनौती बहुत कड़ी थी लेकिन हिम्मत और जोश की कोई कमी नहीं। राहुल का मेरा आवाज देख के उसको जगा रखा सर कंटिन्यू। राहुल बेटा उठ जाओ, राहुल बेटा थोड़ा खा ले, राहुल बेटा जूस भेज रहा हूँ जूस पी ले। ऐसे करके मैं अपना भाषा से तो राहुल को मेरा मन से जोड़ दिया हूँ सर। उद्धारकारी दल अक्लांत परिश्रम जगु जीवन युद्ध में विजय हो राहुल एवं से बिलासपुर आपोलो हॉस्पिटल चिकित्सित होती। डाक्तर भी लगातार तार स्वास्थ्य उपर नजर रखिंट एवं आईसीयू रु बाहर कर जनरल बेड्रे रखाई स्वास्थ्यावस्था स्थिर रही ठीक रे खियापिया करुले भी चर्म संक्रमण जो विपद टी ना डाक्तर कहते बापा खोली बोरवेल 10 तारीख में खसी पड़ा राहुल आउ 60 फुट तले जीवन जुझुला तेणु बचाई को आरंभ होता ऑपरेशन जिंदगी। शेष 14 तारीख राति पखापाखि 12टे राहुल को सुरक्षित भाव उद्धार करा आउ ग्रीन करिडर में बिलासपुर हस्पिटाल को निया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।
मार्केट क्रास जारी रही। शेयर मार्केट निम्नगामी गति गुरुवार साप्ताहिक एक्सपायरी थे वर्षक सर्वनिम्न स्तर में पहुंची उभय बीएससी और निफ्टी सूचकांक। अमेरिका फेडराल रिजर्व द्वारा सुधार वृद्धि मार्केट उपर प्रभाव पकाई। गुरुवार कारबार बीएससी सेनसेक्स 1045.60 पॉइंट बा 1.99% खसी 51495.79 पॉइंट बंद हो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बा निफ्टी सूचकांक 331.55 पॉइंट बा 2.11% ह्रास हो 15,360.60 पॉइंट बंद हो। मुद्रास्फीति नियंत्रण पर फेडराल रिजर्व सुधार 75 बेसिस पॉइंट वृद्धि करती, जहाँ प्रभाव अंतर्जातीय बजार समेत भारतीय स्टॉक मार्केट में भी देखा मिली। एचडीएफसी और रिलायंस सेनसेक्स को निम्नगामी कराइबारे मुख्य भूमिका निभाई बेले टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, विप्रो, भारती एयरटेल, बजाज फाइनान्स, कोटाक महिंद्रा बैंक और एनटीपीसी स्टॉक मूल्य में जबरदस्त ह्रास देखा मिली।